वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रेंडी टेक 5। आज मैं आप सब लोगों के लिए नॉइस फिट एक्टिव स्मार्ट वॉच का इन डेप्थ रिव्यू लेके आया हूँ। एक्चुअली मैंने ये वॉच लॉन्च के दिन परचेस की थी और मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी डाला हुआ है, जिसमें मैंने सारे ऐप्स के बारे में इन डिटेल बताया है, इनिशियल सेटअप कैसे करते हैं उसके बारे में बताया है, एक्यूरेसी टेस्ट भी मैंने इस वॉच का किया हुआ है। सो जिन्होंने नहीं देखा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। आप लोग पूछोगे तो ये वॉच एक्चुअली एक महीना हो गया लॉन्च होके, अब ये क्यों इन डेप्थ रिव्यू मैं कर रहा हूँ। सो फ्रेंकली स्पीकिंग, जब ये लॉन्च हुई थी, मैंने मेरे पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे इस वॉच के। सो उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली ये सब अपडेट के साथ ठीक होना चाहिए था, बहुत कुछ अभी तक ठीक नहीं हुआ है और थोड़े ड्रॉबैक्स अभी इस वॉच में हैं। सो उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और फाइनली मैं आपको एक मेरा वर्डिक्ट दे दूंगा कि आपको ये वॉच लेना है या नहीं। सो वीडियो को एंड तक देखिए और बिना देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस वीडियो में हम दो हिस्सों में बांटेंगे, जो कि है प्रोस और कॉन्स। जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगी या बुरी लगी इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। सो पहले हम शुरू करते हैं प्रोस से, जो भी मुझे इस वॉच का अच्छा लगा है उससे शुरू करेंगे। मैंने पूरी लिस्ट बना दी है, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर इन डिटेल होने वाली है। तो अगर हम पहले प्रोस से शुरू करें तो पहला प्रो है लुक और डिज़ाइन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये वॉच देखने में बहुत ही प्रीमियम दिखती है। ये डबल ग्रेडियंट कलर उन्होंने इस वॉच में किया है, वो काफ़ी प्रीमियम दिखता है। ये गोल्डन कलर और ब्लैक कलर एक कॉन्ट्रास्ट दिखता है और ये ग्रे कलर का फिल्टर, जब आप इस वॉच को अपने हाथों में पहनते हो ना, तो ये काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। नॉर्मली बहुत सारे वॉचेस मार्केट में हैं, वो सिंगल कलर में हैं या एक स्पोर्टी लुक के साथ है, बट ये आपको एक अलग ही लुक देता है जब आप पहनते हो ना, एक प्रीमियम फील देता है, लगता है कि ये एक बहुत कॉस्टली वॉच है। तो दिस इज़ वन थिंग आई लाइक्ड। सो अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ, सो वो है स्ट्रैप क्वालिटी। स्ट्रैप क्वालिटी बहुत लोग बोलते हैं कि ये नॉइस कलर फिट प्रो 3 का स्ट्रैप की तरह ही है, पर फ्रेंकली स्पीकिंग इस वॉच के, नॉइस फिट एक्टिव वॉच के स्ट्रैप्स बहुत सॉफ्ट है कम्पेयर टू नॉइस कलर फिट प्रो 3। सो स्ट्रैप क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, जब आप पहनते हो ना बहुत ही लाइट फील करती है। सो ये वो स्ट्रैप की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। सो नेक्स्ट मैं प्रो बताने चाह रहा हूँ, वो है सेंसर्स। सो सेंसर्स में बहुत सारे सेंसर्स है, बट पर्टिकुलरली थोड़े सेंसर्स मुझे अच्छे लगे, थोड़े मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। सो जो मुझे अच्छा लगा है वो है हार्ट रेट सेंसर। ये आपको 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग के साथ आता है और हार्ट रेट मॉनिटरिंग काफ़ी अच्छा है, एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड एक्यूरेसी टेस्ट का वीडियो किया हुआ है, सो आप उसे जाके देख सकते हो। तो नेक्स्ट मैं बोलूँगा पेडोमीटर रीडिंग, जो कि हम नॉर्मली स्पोर्ट्स मोड पर आउटडोर वॉक करने के जाते हैं, जो डिस्टेंस मेजरमेंट है इस वॉच का काफ़ी ही एक्यूरेट है। इसके बारे में भी मेरे एक्यूरेसी टेस्ट के वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है, सो ये काफ़ी बेहतर है। और नॉर्मली थोड़े लोग मुझे बोलते हैं कि स्टेप्स काउंट उतने ठीक नहीं आ रहे हैं, सो एक्चुअली आप अपने नॉइस फिट ऐप में जाके, मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। बेसिकली आपको नॉइस एप्लीकेशन में जाना होगा, सेटिंग के सेक्शन में आपको यहाँ पे ये देख प्रोफाइल दिखेगा, उसमें अगर आप जाओगे तो यहाँ पे स्टेप लेंथ करके एक ऑप्शन है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे 64 करके सेट किया हुआ है, तो आप इसे एडिट सेक्शन में जाके इसको एडिट कर सकते हो। ये बेसिकली क्या है, जब आप वॉकिंग करते हो, एक स्टेप आपका, एक पाँव से दूसरे पाँव का डिस्टेंस कितना है वो आपको इधर सेट करना है। अगर आप ये करेक्ट सेट करते हो अपने हिसाब से, ऑटोमेटिकली आपको करेक्ट रिजल्ट्स वॉकिंग में मिल जाएगा, आपका नंबर ऑफ स्टेप्स करेक्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट प्रो है इसका बैटरी लाइफ। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे बहुत, मैं एक्चुअली सरप्राइज हूँ इसकी बैटरी लाइफ देख के। आराम से आपको, अगर आप फुल हैवी यूज़ भी करते हो ना, तो आराम से आपको 6-7 डेज आ जाएगी, और अगर आप मीडियम यूज़र हो तो 10 डेज की बैटरी लाइफ आपको मिल जाती है। तो नेक्स्ट प्रो जो मुझे अच्छा लगा है वो है स्पोर्ट्स मोड। सो बेसिकली यहाँ पे आपको डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड के लिए एक बटन मिल जाता है,
अगर आप प्रेस करते हो डायरेक्टली आपको सारे स्पोर्ट्स मोड दिख जाएंगे। इसमें आपको 14 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं और मैंने काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मोड्स यूज़ किया हुआ है। सो वो बहुत ही अच्छे काम करते हैं, आउटर वॉक आउटर रन बहुत अच्छे हैं और इसका रिजल्ट आप इस यहाँ पे रिकॉर्ड सेक्शन में भी देख सकते हैं। सो फिटनेस फ्रिक लोगों के लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। सो ये सब थे प्रोस इस वॉच के, अब हम चलते हैं कॉन्स की ओर। सो अगर मैं पहली कॉन की बात करूँ, सो मैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी को देना चाहता हूँ। सो बिल्ड, डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, सो यहाँ पे बिल्ड काफ़ी अच्छा है नो डाउट, पर ये दिखने में मेटल की तरह दिखता है पर ये मेटल नहीं है। सो ये प्लास्टिक है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक है, दिखने में प्रीमियम दिखता है पर कमिंग टू द प्राइस पॉइंट उन्होंने थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ की है। पर बहुत सारे वॉच करंटली आपको एलुमिनियम केसिंग में मिल जाती है, सो यहाँ पे एलुमिनियम केसिंग होती तो अच्छा रहता। सो नेक्स्ट कौन है इस गोल्डन कलर की ड्यूरेबिलिटी, ये बेसिकली मुझे पाउडर कोटिंग जैसा दिखता है क्योंकि रिसेंटली मेरे वॉच हाथ से गिर गई थी और यहाँ पे एक आपको डेंट जैसा ब्लैक कलर मार्क जैसा दिख जाएगा ना वो है। मुझे मालूम नहीं आफ्टर सम डेज ये फिनिश कैसा रहेगा या ये जाएगा या नहीं। सो अगर ये कंप्लीट ऐसी लाइक ये ब्लैक कलर है, ये प्लास्टिक की इनबिल्ट कलर है, इसमें एडिशनली कलरिंग की ज़रूरत नहीं है, ये इनबिल्ट कलर है पर ये एक्चुअली एक्सटर्नल कलरिंग है। सो ये थोड़े दिन के बाद जा भी सकती है। सो इसका ड्यूरेबिलिटी के बारे में कुछ पता नहीं है। सो अगर ये ड्यूरेबल है तो बहुत ही अच्छा है। सो मैंने इसे अभी कॉन में मेंशन किया हुआ है। तो नेक्स्ट कॉन मैं इस वॉच का बताना चाहता हूँ वो है ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग। सो डोंट गेट मी रॉन्ग इन दिस ऑल्सो, अगर मैं फ्रेंकली बोलूँ ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग मैंने टेस्ट किया है, मेरे एक्यूरेसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो काफ़ी एक्यूरेट है पर थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि समटाइम्स एक अनइवन फ्लक्चुएशन दिखा रहा था, अनरियलिस्टिक वैल्यूज भी दिखा रहे थे। सो ये मैंने सोचा था अपडेट के बाद ठीक हो जाएगा पर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। सो थोड़ा अपडेट ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है इस सेंसर के लिए, सो जो अब तक नहीं हुआ है। सो नेक्स्ट मैं आपको बोलने वाला हूँ जो है स्ट्रेस मॉनिटरिंग। सो यहाँ पे आपको स्ट्रेस का एक ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली मैंने इससे मेरे इनिशियल रिव्यू में भी बताया था, पीरियोडिक आपको एक नोटिफिकेशन आता है हाई स्ट्रेस करके। सो जो करेक्ट नहीं है बट अपडेट के साथ ये ठीक होना चाहिए था पर अब तक नहीं हुआ है। आज भी मुझे पीरियोडिकली ये स्ट्रेस के अलर्ट आते रहते हैं। सो नेक्स्ट कौन है नॉइस फिट ऐप का। सो बेसिकली ऐप अच्छा है पर बहुत सारे इश्यूज है, अगर मैं इसके इश्यूज के बारे में बताने जाऊँगा तो एक पूरा वीडियो जाएगा। सो मैं जल्दी से आपको दो पॉइंट्स बता देता हूँ। आप पेरेंट रजिस्ट्रेशन करने जाओगे ना, जब भी आप इसको रजिस्टर करने जाओगे तो पूरी बार ये आपका पूरा डिटेल्स लेगा, सबमिट हो जाएगा पर आपको कोई कन्फर्मेशन नहीं आएगा। तो इसके बारे में मुझे अब तक कुछ ये नहीं हुआ है। सो बाकी का ये है पर बहुत सारे कनेक्टिविटी इश्यूज है, अगर आप पेयरिंग करने जाओगे तभी भी आपको कनेक्टिविटी इश्यूज आते हैं। सो बहुत सारे ड्रॉबैक्स है इस नॉइस फिट ऐप का, बहुत ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है और कंपनी को इसके बारे में सोचना और ऑप्टिमाइज जल्दी करना चाहिए। तो नेक्स्ट कौन है कॉलिंग के रिलेटेड, यहाँ पे आपको कॉलिंग जब कॉल आता है नोटिफिकेशन आता है पर यहाँ पे उन्होंने म्यूट करने का ऑप्शन नहीं दिया है। सो एक मुझे कुछ अजीब लगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली कट ही कर सकते हो। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे आपको डायरेक्टली आप एंड कर सकते हो, म्यूट नहीं कर सकते हो। सो ये बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, म्यूट का ऑप्शन यहाँ पे देना चाहिए था। तो नेक्स्ट कौन है वॉच फेसेस के रिलेटेड, अगर आप वॉच फेसेस के सेक्शन में जाओगे आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे पहले 30 वॉच फेसेस थे और एक अपडेट के बाद एक 20 वॉच फेसेस ऐड हो गए, टोटल 50 वॉच फेसेस है पर काफ़ी सारे वॉच फेसेस लाइक उतने अच्छे नहीं हैं और डिजिटल वाले बहुत ही कम हैं, बहुत एनालॉग वाले ही बहुत ज़्यादा है पर फिर भी उतने अट्रैक्टिव वॉच फेसेस यहाँ पे नहीं हैं, आप देख सकते हो। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे 100 प्लस वॉच फेसेस देने का वादा किया था पर अब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। सो इसे मैंने अब तक कॉन में रखा है। नेक्स्ट कॉन मैसेज नोटिफिकेशंस का है, वो व्हाट्सएप मैसेज भी हो सकते हैं, नॉर्मल मैसेज भी हो सकता है। यहाँ पे नॉर्मल क्या होता है, सो अगर मैं नोटिफिकेशन पे जाऊँ, मुझे अभी मैसेज आया है,
अगर मैं इसे क्लिक करूं, यहाँ पे आपको आधा मैसेज दिख जाएगा। अगर मैसेज बहुत लंबा है आधा ही दिख जाएगा, आप पूरा कम्प्लीटली रीड नहीं कर सकते हो। अगर मैं एक्चुअल मैसेज की बात करूं, ये पूरा एक्चुअल मैसेज था और यहाँ पे आधा ही आ गया है, आप आधा ही रीड कर सकते हो। सो यहाँ पे कुछ अपडेट चाहिए ताकि आप कम्प्लीट मैसेज पढ़ सको। सो यहाँ पे एक नॉइस को थोड़ा काम करना चाहिए और जल्दी से थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर देना चाहिए। सो मैंने आज आप लोगों से पूरे इस वॉच की प्रोस और कॉन्स के बारे में डिस्कस किया है। सो फाइनली अगर मैं मेरा पर्सनल वर्डिक बोलूँ, सो 3500 पे ये वॉच लॉन्च हुई थी। अगर आपको 3500 रुपीज़ में ये वॉच मिलती है, ये बहुत ही अच्छी डील होने वाली है। और पर अभी इसका प्राइस 4000 कुछ किया हुआ है। और कभी कभी आपको नॉइस वेबसाइट पर थोड़ी सेल के इस पर 300 रुपीज़ ऑफ भी मिल जाता है। पर पर्टिकुलरली ऑलमोस्ट एक 30-40 डेज हो गया इस वॉच को लॉन्च हुए, पर अपडेट्स अभी तक आए नहीं हैं। मुझे पता नहीं ये क्यों है, बट अगर मैं नॉइस कलर फिट प्रो 3 की बात करूं, तो ये बहुत ही स्टेबल वॉच है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे बहुत सारे बग्स हैं, तो इसे जल्दी से जल्दी अगर नॉइस ठीक कर लेती है तो ये वॉच आपके लिए एक बहुत ही अच्छा डील होने वाला है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ये मेरा नया चैनल है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं ऐसे ही टेक वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर आपको कोई टेक्निकल रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मेल करके बता सकते हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।